नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 News। SPN 9 News में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव जीते बीजेपी के 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद राकेश सिंह और रिधि पाठक ने विधायक चुने जाते ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी, रिधि पाठक सीधी और राकेश सिंह जबलपुर से विधायक चुने गए थे। इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर अचानक से इस्तीफा सौंपते नजर आए हैं। और साथ ही साथ अब बता दें आपको कि इन नेताओं पर, बीजेपी के सांसदों पर अब जिम्मेदारी का बोझ बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव जीते तो सांसद पद से इस्तीफा यहां पर देते नजर आए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो नरेंद्र सिंह तोमर काफी ज्यादा चर्चा में भी आए थे। अपने बेटे की वायरल वीडियो की वजह से काफी ज्यादा, और जो देखा गया था उनकी बेटे की जो वायरल वीडियो है वो सोशल मीडिया पर नजर आ रही थी, जिसकी वजह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर को एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ मिलती नजर आई है। नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह, रिधि पाठक ने अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। और बात हम यहाँ पर करें, दिया कुमारी राज्यवर्धन राठौड़, विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी के 12 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि बीजेपी ने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है, जबकि तेलंगाना में 8 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में 21 सांसदों को टिकट दिया था। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 7-7 सांसदों को चुनाव लड़ाया था। वहीं छत्तीसगढ़ में 4 और तेलंगाना में 3 सांसदों को विधानसभा में टिकट दिया था। अब बीजेपी हाईकमान ने विधानसभा चुनाव जीते हुए सांसदों से मुलाकात की और संसद सदस्यता छोड़ने का फैसला लिया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सभी सदस्य इस्तीफा देने के लिए स्पीकर से मिलने पहुंचे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजस्थान से कौन देगा इस्तीफा, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीना और राज्यवर्धन राठौड़। मध्य प्रदेश से नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, रिधि पाठक, उदय प्रताप सिंह। छत्तीसगढ़ से गोमती साई, अरुण साव। और मोदी कैबिनेट में जो मंत्री कम हो जाएंगे, 3 मंत्री यहाँ पर मोदी कैबिनेट में कम हो जाएंगे। तो अब यहाँ देखिए, भाजपा के नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ते ही उन्होंने इस्तीफा दे डाला। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखते रहिएगा SPN 9 News। धन्यवाद।